لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد الله وعلى اهل بيته الاطيبين الانجبين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات ارشاد حضور ختمی مرتبت ہے کہ بے شک حسين चराग हिदायत मरकज़ हिदायत और कश्ती नजात हैं ये हकीक़त में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है और जो नहायत मोतबर हदीस है जिसकी सनद साबित है ऑथेंटिसिटी प्रूवन है कि हुजूर ने फरमाया मसल अहले बैती के मसल सफ़ीनत नूह मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है जो इस पर सवार हुआ वो नजात पा गया और जो पीछे रह गया वो हलाक हो गया मन रख वहा नजा व मन तखलफा गर कवा हवा ये इरशाद हुजूर का मौजूद था और इमाम हुसैन सलाम अहले बैत अतहार में से है लेकिन रसूल ने इमाम हुसैन के सिलसिले में इसी पैटर्न में ख़ास तौर पर गुफ्तु फरमाई कि बेशक हुसैन चराग हिदायत और कश्ती नजात हैं इसमें हिकमत है इसमें मसलहत है और वो हिकमत और मसलहत हमारे बाद कद्र उलमा ने इस तरह से बयान फरमाई है कि यूं तो तमाम अम इतहार सलात वसम कश्ती नजात हैं इस जुमले को आम तौर से मासूमिन की तरफ मनसूब करके बयान किया जाता है लेकिन हकीक़त में ये मासूम का कलाम नहीं है यूं तो तमाम अतहार एतार कश्ती नजात हैं चराग हिदायत हैं लेकिन इमाम हुसैन की कश्ती नजात वो वाइडर भी है फास्टर भी है जितनी गुंजाइश इमाम हुसैन की कश्ती नजात में है वो अपनी मिसाल आप है। और जो रफ़्तार इमाम के कश्ती नजात की है वो भी अपनी मिसाल आप है और जितने लोग इमाम के ज़रिए से हिदायत पाते हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम से इस्लाम के दायरे में आते हों और चाहे वो नॉन शिया से शेयत के पाकिज़ा और मुकद्दस दायरे में आते हों मेजोरिटी कम थ्रू शुरू इमाम हुसैन अली इ अलहुसैैन अमिसबादा उ सफ़ी नजात बाज़ अफ़राद ने इवन किताब तक लिखी है ये किताब मौजूद है ल़त शैया हुसैन। आज जो मैं शिया हूँ मुझे जो इस पाकिज़ा दीन तक पहुँचने की तोफ़ी हासिल हुई है यह सदक़ा हुसैन इब्ने अली का इस टॉपिक पे किताबें मौजूद हैं कि ये मजलिस की आवाज़ मातम की आवाज़ जुलूस का नज़ारा ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं और वो इमाम हुसैन सलाम की मज़लूमियत के बारे में जब ग़ौर और फिक्र करता है और जितना ज़्यादा वो ग़ौर और फ़िक्र करता जाता है उतना ज़्यादा वो दीन की अजमत को और हकीक़त को पहचानता जाता है और इसमें वो तासीर है कि जो अपनी मिसाल आप है एक आलम दिन उन्होंने नकल किया कि एक बुधिस से उनकी गुफ्तु हो रही थी दीन के बारे में और वो काफ़ी पढ़ा लिखा था एजुकेटेड था इस्लाम के हवाले से गुफगु हो रही थी और जितनी दलीलें दे सकते थे सब दे रहे थे उसके पास जवाब नहीं भी होता था तो भी वो सरसरी तौर पे गुजर जाता था तो पूरा डिस्कशन हो गया मगर वो मुतासर नहीं हो सका इस्लाम से उस तरह से जो इनको एक्सपेक्टेशन थी और वो नशिस्त यूं ही एंड हो गई फिर नेक्स्ट डे वो कहते हैं कि जब मुलाकात हुई और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ और हमने फिर से इस्लाम की हकानियत और इस्लाम की आज़मत की दलीलें देना शुरू की तो वो तमाम चीज़ें जो हम बयान करते रहे वो सुनता रहा आखिर में कहता कुछ और आपके दीन के पास है ये जो अकली दलीलें हैं सब तो हैं इनसे हट के कोई ऐसी शख्सियत हो कोई ऐसी ज़ात हो जो एक एक्सेप्शनल रोल रखती हो एक्सेप्शनल किरदार रखती हो अचानक मेरे जहन में इमाम हुसैन का नाम आया और जैसे ही मैंने करबला का तस्करा शुरू किया ऑल ऑफ अडर मैंने देखा कि वो मुनकलिब होना शुरू हो गया उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई और उसका दिल नरम पड़ने लगा तो इमाम हुसैन अल की मजलूमियत वो मजलूमियत है और वो अखलास वो सदाकत कि पत्थर का दिल भी नर्म हो जाए और जब तक इंसान का दिल नर्म नहीं होगा जिस तरह से जब तक ज़मीन नर्म ना हो उसमें जो दाना भी आप बोएंगे कितना ही कीमती क्यों ना हो ज़ाय हो जाएगा उसी तरह से जब तक दिल नर्म ना हो कोई भी मुआवजा हो वो असर असरअंदाज नहीं हो सकता मुआवजे की तासीर के लिए ज़रूरी है कि गम हुसैन में बहने वाले आंसुओं की नमी इंसान के दिल की ज़मीन में शामिल हो फिर जाके के मुआवज़े असरअंदाज होते हैं एक बहुत बड़े स्कॉलर उनके पास एक शख्स गया कि मेरे घर का एक बच्चा है या मेरा एक भाई है वो ऑफ द ट्रैक हो गया है। और वो बुरे रास्ते पे चल पड़ा है मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं उसे आपके पास लेके आऊं आऊँ और आप उसे समझा दीजिए उन्होंने तमाम तफसीलात बयान की जब उन्होंने तफसीलात को सुना और महसूस किया उनका देखो तुम मेरे पास लेके आओगे कुरान में जो कुछ है उसके आगे तो मैं कुछ बता नहीं सकता दीन में जो कुछ है उसके आगे तो मैं कुछ बचा नहीं सकता जरूरी नहीं है कि असरअंदाज हो ऐसा करो कि तुम उसे करबला लेके जाओ तुम करबला लेके जाओ अगर वो इमाम हुसैन के हरम में पहुंचकर कर गिरिया करता है तो फिर उसे मेरे पास ले आना अगर वो मजलूम करबला पर गिरिया करता है तो मेरे पास ले आना इसका मतलब यह है कि अभी जिंदगी की उम्मीद बाकी है अभी दिल मुकम्मल तौर पे मुर्दा नहीं हुआ है वो लेके गया करबला और फिर उसके बाद जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या तुम उसको लेके गए थे करबला उन्होंने कहा कि हाँ मैं लेके गया करबला कहा क्या वहाँ वो रोया वो कहा कि हाँ वहाँ पे वो रोया तो कहा कि फिर उसे मेरे पास क्यों नहीं लेके आए कि अब लाने की जरूरत ही नहीं वो वहाँ पे रोया भी और उसने वहीं पे सच्चे दिल से तौबा भी कर लिया और अब अलहद वो पक्का दीनदार भी बन गया है आजादार भी बन गया है मुतफी और परहेजगार भी बन गया है तो एजान मोहतरम यह इमाम हुसैन अलाम का इन्फ्लुंस है यह इमाम हुसैन आलातम की तासीर है कि अगर कोई सच्चे दिल से बारगा हुसैनी में आ जाए या हरम में हुसैनी में चला जाए तो इमाम हुसैन उसे तनहा नहीं छोड़ते आ, 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 आ। और यह अल्लाह की तरफ से खसूसी जजा है इमाम हुसैन सलात के लिए उनकी कुर्बानियों के एवज़ रिवायतों में मिलता है कि इमाम हुसैन की शहादत और वो शहादत उजमा और वो अनमोल शहादत उसके बदले अल्लाह ने उन्हें चार बेमिसाल चीजें अदा फरमाई अशफा उफी तुरबत इमाम हुसैन की कब्र अतहर की मिट्टी में शफा है पूरी तारीख आलम व आदम में किसी के लिए नहीं मिलता कि उसकी कब्र की मिट्टी में शफा हो हु। इवन मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नहीं मिलता स्पेसिफिकली कि उनके कब्र की मिट्टी में शफा हो इमाम मूसा कादिम सलासलम आपकी आज़मतें जलालतें शान शौकत अल्लाह अकबर इसके बावजूद इमाम मूसा कादिमला वसलाम ने वसीयत फरमाई कि देखो मेरी शहादत के बाद मुझे दफन करना चार अंगुल मेरी कब्र को ऊपर उठाना और उसको बराबर कर देना उसको हम 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 की शक्ल शक्ल में न बनाना जिस तरह से ऊँट की पुश्त होती है बल्कि उसको फ्लैट बनाना और अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी और मुसलमानों ने भी अपनी किताबों में यह लिखा है लेकिन वो सिर्फ़ शियों की दुश्मनी में क्योंकि शिया इस तरह से कब्र बनाने लगे हैं लिहाजा वो अपनी कब्रों को दूसरी तरह से बनाते वरना उनकी किताबों में यह है कि क़ब्र फ्लैट होनी चाहिए विद फोर कॉर्नर्स लेकिन बहरहाल शियों की दुश्मनी में वो अपनी क़ब्र को यूं करवी शक्ल में बनाने लगे हैं तो वो तमाम वसीतें इमामूसा काज सलाम ने कं और साथ में यह भी फरमाया कि देखो मेरी कब्र की मिट्टी को शिफ़ा की गरज से ना उठाना इसलिए कि ये चीज मखसूस है हमारे जद इमाम हुसैन अलत वह शफाफी तुरबत उनकी तुरबत में शफा अलबत्त तुरबत की जो डेफिनेशन है यूं तो डिफरेंट रिवायात मौजूद हैं और, और काफ़ी दूर तक क़ब्र अतहर के आसपास बल्कि बाज रवायतों के मुताबिक पूरे करबला की मिट्टी भी खाके शफा कही जाती है लेकिन असल जो बात है वो इमाम हुसैन सलात सलाम की कब्र की मिट्टी में और उसमें यह भी है कि जब उस मिट्टी को तुम उठाओ वहाँ से या वो मिट्टी तुम्हें मिले तो उसको तुम महफूज रखो और बाज़ बारेवा मुताबिक उस पर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो ज्यादा से ज्यादा उस मिट्टी पर अल्लाह का जिक्र करो और ज्यादा से ज्यादा सूर्य जल्ला की तलावत करो इसलिए कि जब वहाँ से मिट्टी निकलती है तो शयातीन अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसके असर को ख़त्म कर दें उस मिट्टी का एहतराम करो उसको किसी नामुनासिब जगह के ऊपर न रखो गुनाह गुनहगार हाथों से वो मिट्टी गुजरेगी उसकी तासीर कम हो जाएगी मुनासिब जगह के ऊपर रखी जाएगी उसकी तासीर कम हो जाएगी जिस जगह के ऊपर गुना होता हो मिट्टी रखी जाएगी उसकी तासीर कम हो जाएगी आदमी खाएगा उसको फ़ायदा नहीं होगा ये तमाम चीज़ें सब आदाब बात तफसील के साथ रवायात में बयान किए गए हैं और उसी तरीके से यह भी है कि अगर वो मिट्टी इंसान खा रहा है और उसके दिल में कोई शक व शुबा है तो वो जो शक व शुबहे की निजास्त है वो भी उस मिट्टी की तसर को खत्म कर देगी या कम कर देगी रवायतों में यह है कि जो मासूमी सलाम ने ज़मानत दी है कि पहली बात तो है कि वो मिट्टी बिल्कुल पाको पाकिज़ा हो यानी एक है वो मिट्टी नापाक हाथों से होती हुई नागुजरी हो और उसका जो ड्यू रेस्पेक्ट है वो मेंटेन रखा गया हो और दूसरी बात है कि उस मिट्टी को जिस वक्त इंसान खा रहा हो वो मुकम्मल तौर पर यकीन और इत्मीनान और अहलबैत अलमसलातलम की आजमतों के एतराफ और उनकी मारिफत के साथ उसको तनावल कर रहा हो तो फिर शफा यकीनी होगी वो शिफा की तुरबतें और दूसरी चीज जो अल्लाह हुसैन सलाम को अता फरमाई खास उनकी शहादत उजमा के एवज दुआ तहत जो दुआ कहीं कबूल ना हो रही हो अगर मसलरदेगार होगी कोई भी मसल पर अगर होगी जरा सी भी मसल परवरदेगार अगर होगी तो वहां जाके अगर इंसान दुआ करेगा तो इम्पॉसिबल है कि जेर कुसैनी जो दुआ की जाए वो दुआ रद्द हो जाए ये दूसरी चीज और तीसरी चीज जो अल्लाह ने इमाम को ख़ास तौर पर अदा फरमाइए कि नसल इमामत को इमाम की ज़रूरियत में रख दिया क़यामत तक अब जितने इमाम आएंगे वो सब नसल हसैन से होंगे यानी हदायत का जो सिलसिला होगा इमाम हुसैन के बाद से क़यामत तक चूँकि मरकज़ हिदायत इमाम हुसैन असलात वसलाम है तो जो भी अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड हादी होगा वह नसल हुसैन से होगा और चौथी खसूसियत जो अल्लाह ने इमाम हुसैन को आपकी शहादत के बख्शी है वो ये है कि जो जायर भी इमाम हुसैन की इजारत के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालेगा जब से घर से कदम बाहर निकालेगा जब तक घर पलट के नहीं आएगा उसकी उम्र का जो हिस्सा गुजरेगा वो अल्लाह उसकी उम्र जो उसकी तरफ से डिटर्मेंड हुई है उसमें काउंट नहीं करेगा वो फ्री अल्लाह की तरफ से ये चार वो खूसियतें हैं इमाम हुसैन आल सलाम जो मखसूस हैं उनसे और भी बहुत सी खसूसियात हैं बहरह इम मरकज़ हिदायत है और इमाम हुसैन सलातम का मरकज़ हिदायत होना वो है जिसे हम और आप नगहों के सामने आसानी के साथ देख रहे हैं कुछ बातें हैं जो मैं आज आप हजरा की खिदमत में इस णान से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों में है कि और एक सवाल लोगों के जहनों में है और बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहनों में पैदा होता है कि क्या नजात सिर्फ़ हमको मिलेगी क्या निजात सिर्फ़ हमसे मखसूस है बहुत से नॉन मुस्लिम्स हैं बहुत से ईसाई हैं बहुत से यहूदी हैं उनमें भी बहुत से अच्छे लोग हैं क्या उनके लिए भी नजात की कोई उम्मीद है या उम्मीद नहीं है? दिस इज़ अवज क्वेश्चन इस पर इंशाला मुख्तर तौर पर गुफ्तु होगी लेकिन उससे पहले बहुत से ममिन ने हमसे पूछा कि कल जो नमाज के दौरान किबला ने मसला बयान किया था वो क्या था तो हम उसकी वजाहत कर दें उन्होंने जो बयान किया था वो ये है क्योंकि उन्होंने अरबी बयान किया था तो अक्सर मोमिन नहीं समझ सके थे उन्होंने ये कहा कि जो नमाज के बाद जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके लिए जो एक लफ्ज़ मासूमिन के जरिए हम तक पहुँचा है वो है ताकीब ताकीब का मतलब होता है द थिंग विच कम्स आफ्टर अकब तो नमाज के बाद जो चीज़ें हम पढ़ते हैं जो अधार हम पढ़ते हैं जो दुआएं हम पढ़ते हैं जो नमाज़ें हम पढ़ते हैं है, नमाज के बाद उन सब को तकीीबात कहा जाता है तो उन्होंने बयान किया कि इसका सही ऑर्डर क्या है किस तरह से इसको पढ़ा जाए सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी जाए तो जिस चीज़ के ऊपर रिवायतों में सबसे ज़्यादा ताक़द की गई है जब आपने कहा सलाम वरम्ह तो आपकी नमाज मुकम्मल हो गई तो जो सबसे पहली तकीब है वह है तीन मरतबा अकबर तीन मरतबा अकबर और उसके फौर बाद जिस चीज़ पर सबसे ज्यादा ताकीद की गई मासूमी सलातम की रवायतों में वो हजरत फातिमाजहरा सलात की तस्वीर और मासूमिन ने फरमाया है कि अगर अल्लाह के नज़दीक कोई हदिया कोई गिफ्ट इससे बाला तर होता तस्वीर क्या है थर्टी फोर टाइम्स अल्लाह अकबर थर्टी थ्री टाइम्स अलहदुल्ला थर्टी थ्री टाइम्स सुबहानल्लाड बाई वन टाइम ला ला ये तस्वीर है जो मासूमिन ने बताई है चौंतीस मरतबा अल्ला अकबर तैंतीस मरतबा अहमद तैंतीस तैतीस मरतबा सुबहानल्ला और आखिर में एक मरतबा ला तो रिवायतों में जो है वो ये है कि अगर अल्लाह के नज़दीक इससे बेहतर कोई गिफ्ट होता इससे बेहतर कोई हदिया होता तो मांगने वाली कौन थी फातिमा जहरा सलवा जिसने कुछ नहीं मांगा सिर्फ एक सवाल अपने बाबा से किया था एक मरतबा तारीख में मिलता है और देने वाला कौन है रहमत आलमीन, और वो भी किसकी इजाजत से दे रहा है आलमीन की इजाजत से दे रहा है तो सैदत नसाइल आलमीन सवाल करने वाली देने वाला आलमीन, और जिसकी तरफ से दिया जा रहा है वह आलमीन तो कहीं पे लिमिटेशन नहीं है अगर इससे बाला तर कोई चीज होती तो अल्लाह अपने नबी के जरिए बीबी को वो अता करवाता मगर अल्लाह ने कुछ ना दे के ये दिया इसका मतलब यह है कि इससे अफजल कोई चीज नहीं है। तो रवायतों में इस चीज पर बड़ी ताकीद की गई है कि नमाज के फौरन बाद बिला फासला और जो इसका अदब बयान किया गया है यानी इसकी जो स्वभाव है जो आजमत है वो आमतौर से लोग अनफॉर्चुनेटली अंडरमाइन करते हैं वसलाम ने फरमाया कि अगर कोई नमाज के बाद नमाज मुकम्मल करने के बाद एक हज़ार रकत नमाज पढ़ता है तो हमारे नज़दीक उस एक हज़ार नाफिला नमाज से अफजल है फातिमा जहरा सल्वातम की तस्वीर पढ़ा और इस तस्वीर में ऐसी क्या चीज है कि इसकी इतनी बड़ी फजीलत है नमाज में भी जब आप पढ़ते हैं सूरह अलहमद है सूरहना है सुबह अल्लाह है अल्लाह अकबर है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नमाज में लेकिन हजार रकात नमाज हजार रकत नमाज पढ़ने में तकरीबन आपको 500 सौ मिनट तो लगेंगे ना और तस्वीर पढ़ने में कितना टाइम लगता है सौ सेकेंड लगेंगे और यहाँ पे भी, भी मैं ये बात अर्ज कर दूँ कि ममिन जल्दबाज़ी करते हैं कुछ लोग तस्वीर के साथ जाती करते हैं और वो विद इन सेकेंड्स पूरी तस्वीर पढ़ लेते हैं अल्लाह अकबर भी मुकम्मल नहीं हो पाता और वो अल्लाह भी कह चुके होते हैं नहीं ये बीवी की तस्वीर नहीं है इसकी आज़मत को आप पहचाने और इसकी आज़मत में इसमें इस ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि इसकी इतनी आज़मत है कि मासूमिन ने फरमाया कि एक हज़ार नमाज एक हज़ार रक़त नमाज से अफजल है मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि इस तस्बी के साथ जो नस्बत है उस नस्बत की वजह से यह तस्वीर इतनी अजीम हो गई चूंकि इसे कहा जाता है तस्बी खुशहरा फातिमा ज़हरा सलवात वल्हा की तस्वीर उनके नाम की आज़मत की वजह से यह सुबहानल्लाद्ला और अल्लाह अकबर इन अजकार में इतनी तासीर पैदा हो गई है कि वो चीज़ जो आप पाँच सौ मिनट में हासिल नहीं कर सकते सौ सेकेंड में हासिल कर सकते आजमतः नाम फातिमा है ये हमारी खुश नसीबी है कि हम हमें कि हम हमेशा तस्बी है फातिमा तो जहरा कहते हैं तस्बी है जहरा कहते हैं और दूसरों की बदनसीबी के लिए यही काफी है कि उन्होंने तस्बी को तो रखा हुआ है अल्ला अकबर को रखा है अलहमद को रखा है सुबहान अल्लाह को रखा है तमाम मतबर किताबों उनकी मौजूद है इस सही में मौजूद है उस सही में मौजूद है तमाम किताबों में मौजूद है मगर जो नस्बत थी वो नस्बत जिसकी वजह से ये अजकार इतने बाबरकत बने उस नस्बत को उन्होंने निकाल दिया और उस नस्बत को निकाल के उन्होंने उस अजर अजीम से खुद को महरूम कर लिया यह उनकी बदनसीबी है क्यों क्या तस्वीर तो है मगर उसे तस्वीर जहरा नहीं कहते और हमारा शर्फ यह है कि वो तस्वीर भी है और हम उसे उस नस्बत से मंसूब भी करते हैं जिसकी वजह से उस तस्वी की शान व शवकत है तो रमास ने बताया वो कि, कि कबल इसके के इंसान अपना बॉडी पॉस्चर चेंज करे कबल इसके का आप अपना पहलू बदलें बिल्कुल उसी हालत में जैसे आप बैठे हुए थे बैठे रहें बग़ैर इसके के आप दहने मुड़ें बाएँ मुड़ें अब जो उन्होंने बयान किया था मसला वो इसी तनाजु बयान किया था कि ये मुसाफिया लोग करना शुरू कर देते हैं फ़ौर और मुसाफा भी सिर्फ़ अपने साइड वाले से नहीं करते बल्कि वो पीछे भी मुड़ जाते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं और एक आदमी के बजाय दो तीन लोगों से मुसाफिया करने लगते ये चीज़ें रवायतों में नहीं हैं किसी रवायत में नहीं है कि नमाज के फ़ौरन बाद आप लोगों से मुसाफा कर मुसाफ़ा करना मोमिन से इबादत है और उसकी बड़ी फजीलत है लेकिन तस्वीर फातमत जहरा करने की जो रविश बताई है मासुमिन सलाम ने वो रविश ये है कि आप जैसे ही नमाज मुकम्मल करें बिल्कुल हालत नमाज में बैठे हुए पहलू बदले बगैर अपनी डायरेक्शन चेंज किए बगैर अपना पोस्टर चेंज किए बगैर फौरन आप तस्वीर फातमत जहरा पढ़े तो वो फजीलतें आपके शामिल हाल होंगी जो मासुमीन ने बयान समाया तो यो मसला था जैसे उन्होंने बयान किया था और फिर उसके बाद इवन बाजल से पूछा गया बाजमा के हम नाम मर्ज तकलीद थे अलतुल्ला सादक रूहानी उनका मसला हमारे पास मौजूद है उनसे बाद लोगों ने पूछा कि नमाज के बाद एक चीज़ राइज हो गई है कि फ़ौर हम लोग शलवा भेजते हैं तीन मरतबा शलवार तो की जो आजमत वो अपनी जगह के ऊपर मगर जो रिवायतों में है वो ये है कि पहले तस्वीर है फातिमत जहरा और बाद में सलाबाद अलबतः ये सब आदाब हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप आ, जो लोग पहले शलवा भेजते हैं उनको आप ग़लत ठहराना शुरू कर दें और एक अख्तिलाफ़ का एक इंतजार का माहौल कायम हो जाए नहीं उस चीज़ के हमारे दिन में बिल्कुल इजाज़त नहीं है ये सब आदाब हैं वाजिबात नहीं हैं कोई वाजिब नहीं है के नमाज़ के फ़ौन बाद आदमी तस्वी है फ़ातिमत ज़हरा सलवातल साम वैसे पढ़े जैसे उन्होंने बयान फ़रमाया या जैसे हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं नहीं ये सब आदाब है बेहतर है कि इस तरह से किया जाए और मस्तब है कि इस तरह से किया जाए ये ऑर्डर है जो मासूमिन मासूमिनसलात सामने ने बयान किया तो अगर यहाँ पर एक तरीक़ेकारायज है कि पहले लोग सलवात पढ़ते हैं तीन मरतबा तो ठीक है अगर वो पढ़ते चले आए हैं एक ज़माने से तो वो पढ़ते हैं मगर जो हमने अपने यहाँ राइज कर रखा है वो ये है कि पहले तस्वीर है जहरा पढ़ी जाती है जैसा रिवायतों में बयान किया गया और फिर उसके बाद में कोई शख्स इन अल्लाह पढ़ता है वो आय करीमा की तिलावत करता है और फिर तीन मरतबा शलवार पढ़ी जाती है तो तस्वीर भी होती है और शलवार भी होती है मगर उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मासूमिन ने बयान किया अलबतः अगर इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी कोई जाता है पहले शलवार पढ़ता है जैसा कि बहुत सी जगहों पर होता है अक्सर जगहों पर होता है कल्चर राइज हो गया है तो हमें कोई हार्ड एंड फास्ट स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है उसको चेंज करने के लिए कि नवजुबिल्ला कोई खल्फशार की कैफियत पैदा हो कोई इंतजार की कैफियत पैदा एक साल बाद पाते मोहम्मद तो एजान मोहतरम ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ज्यादा वक्त नहीं लिहाजा मुख्तर तौर पर इसको टच करेंगे खुदा का शुक्र है हम लोग मुस्लिम हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़रमाता है इन दीन दीना इन दीन तो बस अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है वो मैं यब तक ग़ैर इस्लाम दीन फ़ल यिन जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके हमारी बारगाह में आएगा तो उसकी तरफ से उसको कबूल नहीं किया जाएगा तो क्या इन आयतों के तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि जितने लोग भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब जहनम में जाएंगे क्या इस्लाम का ये कानून है तो देखे ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों की लेकिन हकीकत इससे हटके है। ये जो कहा गया है इन्नदीन आंद इस्लाम कि अल्लाह के नज़दीक दीन बस इस्लाम है इसमें इस्लाम से मुराद क्या है वाट इज मेंट बाई अल इस्लाम क्या इस्लाम से मुराद वो है कि इंसान मुस्लिम घराने में पैदा हुआ हो गाय का गोश्त खाता हो हफ़्ते में सात दिन होते हैं तो चौदह मरतबा गोश्त खाता हो क्या ये इस्लाम का मतलब है क्या इस्लाम का मतलब ये है कि इंसान नमाज़ें पढ़ता हो रोज़े रखता हो माह मैदान में हज के लिए जाता हो नहीं ये सब चीज़ें इस्लाम की निशानदेही करती हैं मगर इस्लाम का असल मतलब नहीं है इस्लाम का असल मतलब क्या है इस्लाम का असल मतलब वही बताएगा जो असल इस्लाम हो इस्लाम का असल मतलब वही समझाएगा जो कुल्ले ईमान भी हो कुल्ले इस्लाम भी हो इस्लाम की हकीकत वही समझाएगा जिसकी आगोश में इस्लाम परवान चढ़ा हो इस्लाम की हकीकत वही समझा पाएगा जो हकीकत में मुस्लिम अव्वल भी हो और मुस्लिम अव्वल होने के साथ साथ इस्लाम की मुजसम तस्वीर भी हो और ऐसी शख्सियत का नाम है अली उबन अबी तालिब लागा, लागा, लागा। तो बलागा में मौजूद है जो मौलाना ने डिफ़ाइन किया है इस्लाम को आप फरमाते हैं और आपने ये ख़ुद इरशाद फरमाया है कि मैं इस्लाम की वो तारीफ़ बयान करने जा रहा हूँ कि जो कोई बयान नहीं कर सकता लबन अल इस्लामस्बता नस्बतान लमयन सुबह आहद मैं इस्लाम की वो तारीफ करने जा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ जिस तरह से इस्लाम को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता और फिर आप फरमाते हैं इस्लाम होत तस्लीम व तस्लीम उल यकीन वल यकीन ओ तस्दीक व तस्दीक ओ हु अदा वला ओ ये इरशादात हैं इस्लाम का मतलब क्या है अतस्लीम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर देना दैट इज़ कॉल्ड इस्लाम अपने को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर देना और जब इंसान अपने को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की बारगाह में सरेंडर कर देगा तो वो हक को कभी झुठलाएगा नहीं हमेशा हक की तस्दीक करने वाला बनेगा और जो हक की तस्दीक करने वाला बनेगा वही अहले यकीन होगा और जो अहले यकीन होगा वही वो होगा कि जो अपनी ड्यूटीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरह से अदा करेगा और ड्यूटीज को सही तरह से अदा करने का नाम ही अमल है तो इस्लाम है क्या इस्लाम शुरू होता है तस्लीम से और एंड होता है अमल पे इस्लाम के आगाज का नाम है हक की बारगाह में अपने को सरेंडर कर देना और इस्लाम के अंजाम का नाम है मंजिल अमल में पीछे ना रहना यह इस्लाम की डेफिनेशन है जो अमौला सलातम ने बयान किया तो इस्लाम की डेफिनेशन क्या है कि हक़ के सामने अपने को तस्लीम कर देना न जाने कितने मुस्लिम हैं क्या वो हक के सामने तस्लीम है देखें हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है ये वाजिबात में से हो सकता है कोई ये कहे कि अगर यही बात है कि मुस्लिम घरानाने में कोई शख्स पैदा हो गया तो वह जन्नत में जाएगा और नॉन मुस्लिम घराने में पैदा हुआ तो जहन्नम में जाएगा तो ये तो अल्लाह की अदालत के ख़िलाफ़ है अल्लाह ने इसको मुस्लिम घराने, घराने में पैदा किया तो यह मुस्लिम है और हमें अल्लाह ने क्रिश्चन में पैदा किया मजूसी घराने में पैदा किया हिंदू घराने में पैदा किया तो हम वो हैं जो हैं ये नहीं है सब के ऊपर फर्ज है चाहे वो जिस घराने में पैदा हो चाहे मुस्लिम घराने में पैदा हो चाहे शिया घराने में पैदा हो चाहे सुन्नी घराने में पैदा हो चाहे मजूसी घराने में पैदा हो यहूदी घराने में जिस घराने में भी पैदा हुआ है हर इंसान के ऊपर फ़र्ज है कि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जब दीन की बारी आए तो उसके बारे में रह तहकी करे उसके बारे में रिसर्च करे और इसकी वजाहत हम इससे पहले कर चुके हैं नॉट नेसेसरली वो जाके दस साल तक होजिल में अकूब में पढ़े नजफ़ अशरफ में पढ़े नहीं लेकिन बेसिक लेवल पर वो तहक़ीक करे ये सबका फ़र्ज़ है वो तहकीक मजलिस में आके भी हो सकती है किसी दिन से मिल के भी हो सकती है मगर यह कि हर इंसान एक कन्विक्शन तक पहुँचे कि जो वो मान रहा है वो सही है और वो अक्ल के असूल व मुताबिक है वो फ़ितरत के तकाज़ों के मुताबिक है ये तहकीक सब के ऊपर फ़र्ज़ है इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है यकीन जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए आसानी है ज़्यादा आसानी है और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दुश्वारी है मगर तहकीक करना सबके लिए फर्ज है और जितनी ज्यादा दुश्वारी होगी उतना ज्यादा अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा तो ये एक बात अब दूसरा मसला ये है कि ठीक है अगर किसी क्रिश्चियन ने तहकीक की किसी यहूदी ने तहकीक की दीन के बारे में और उसकी तहकीक ने उसे इस नतीजे पर पहुंचाया कि फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी ही अच्छा दीन है यहूदयत ही सच्चा दीन है जोरास्ट्रियन ही हक पे है हिंदुज़म ही बेहतरीन आयन है अगर किसी ने तहकीक़ की और उसकी तहकीक ने इस नतीजे तक पहुंचाया लेकिन पहली बात तो यह है कि इस्लाम इतना वाज है यह जो लास्ट वर्जन है हमने इसको एक मरतबा एक मजलिस मरत में अर्ज़ किया था मैं याद आ रहा है कि दीन का लफ्ज़ जब आप देखेंगे तो पूरे कुरान में सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है तो दीन हकीकत में एक है और वो दीन क्या है सबमिशन टू अल्लाह अज़्ज़ा व सरेंडरेंस टू अल्लाह अज़्ज़ा व मीनिंग ऑफ इस्लाम एक्वायरिंग पीस थ्रू सबमिटिंग आवरसेल्व्स टू द विल ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व इस्लाम कम्स फ्रॉम सिल्म सिल्म का मतलब होता है पीस इस्लाम का मतलब होता है एक्वायरिंग पीस इनर पीस थ्रू सबमिटिंग आवरसेल्व्स टू द ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा तो ये जो आखिरी वर्जन है ये इतना क्लियर है इतना आश्कार है इतना वाज़े है कि जो शख्स भी अनबायस्ड रिसर्च करेगा दीन के बारे में अनबायस्ड शर्त यह है इम्पॉसिबल है कि वो इस्लाम की हकानियत को ना देख सके, या सकेश की हकानियत को ना देख सके जो शख्स भी अनबायस्ड गैर मुतासबाना तहकीक करेगा चाहे इस्लाम के बारे में और चाहे इस्लाम के सच्चे वर्जन शियत के बारे में इम्पॉसिबल है कि उसकी तहकीक उसको सही नतीजे तक न पहुंचा सके लेकिन फ़र्ज कर लीजिए फर्ज कर लीजिए कि अगर उसकी तहकीक ने उसको पहुंचा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियनिटी तक जूडिज्म तक जोरास्टोरजम तक और फिर वो उसी को फॉलो करता रहा तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कुरान में बिल्कुल साफ साफ आयत मौजूद है बला मन असलम वक़ाल लद खल जन्नत लन काना हुन असारा अ मेरे हबीब ये यहूद नशारा क्या कहते हैं ये एक्सक्लूसविटी जो इन्होंने अपने अंदर बना रखी है उसके अगेंस्ट कुरान किस तरह से गुफू कर रहा है वक़ालद खुलल जन्नत लनकाना हुदन अव नसारा यहूद नसारा ये कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ वही दाखिल होगा जो यहूदी होगा या ईसाई होगा

पहली क्वालिटी दूसरी क्वालिटी नेक आमाल अंजाम दे नेक किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारे अगर ये दो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और किसी इंसान ने तहकीक की है और उसकी तहकीक ने अपनी तहकीक में वो अनबायस था उसने कोई गलती नहीं की है डंडी नहीं मारी है इधर उधर नहीं भागा है और उसकी तहकीक ने उसको किसी माकूल नतीजे तक पहुंचा दिया है ईसाइत तक पहुंचा दिया है क्रिश्चियनिटी तक पहुंचा दिया है तो हमारे ओलमा कहते हैं कि कुरान में आयतें मौजूद हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं लाकल्लफ़ुल्ल नफसन इल्ला वुसाहा किसी भी इंसान को अल्लाह उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बर्डन नहीं देता अगर उसने तहकीक़ अनबायस्ड अंदाज़ में की है और उसकी तहकीक़ का कल्मिनेशन यहाँ के ऊपर हुआ है और वो उसको फॉलो करता है और उसको फॉलो करने में वो रिलीजियस है डेडिकेटेड है तो उसको मुस्तदाफ़ कहा जाता है कुरान की अतलाह में और मुस्तदाफ़ीन के लिए यह है कि रोज़ क़्यामत अल्लाह रबुल्ज़त उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करेगा अगर उनके सामने यहाँ पर हक वाज़ नहीं हो सका है सेलवेशन और नजात की पूरी उम्मीद उनके लिए मौजूद है और उस सिलसिले में हमारे यहाँ जो मासूमिन सलात मासूमिनलाम की रवायात हैं कि वहाँ पर उनके लिए क्या होगा अल्लाह रब्ज़त उनके लिए दुनिया जैसा माहौल बनाएगा जिस तरह से दुनिया में कि अगर आप हक़ को कबूल करते हैं तो कुछ प्रोज़ हैं कुछ कौन से हैं बातिल को कबूल करते हैं कुछ प्रोज़ हैं कुछ कौन से हैं उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए वहाँ के ऊपर माहौल बनाएगा और फिर उनको तमाम चीज़ें जो मौत के बाद से लेकर अब तक जिन मंजिलों से वो गुजरे हैं उनको उनके जहन से बिल्कुल रिमूव कर देगा और ब्लैंक गोया कि वो दुनिया में है और फिर उनको फ्री चॉइस होगी अपने फ्री विल से वो जिसको चूज करेंगे उसके मुताबिक उन्हें या जन्नत में रखा जाएगा या जहन्नम में रखा जाएगा जो वसात इस टॉपिक पर हमारे दीन में पाई जाती है आप यकीन कीजिए दुनिया में ना किसी दीन में पाई जाती ना किसी मजहब में पाई जाती एक मरतबा इंटरफेथ का एक डायलॉग था उसमें था और उसमें दुनिया के तमाम मज़ाहब के लोग थे और ये टॉपिक वहाँ पर छिड़ गया तो हमने जब अपने दिन के हवाले से एक्सप्लेनेशन दी कि अगर कोई शख्स तहकीक करता है और उसकी तहकीक तहकी में वो अनबायस था और उसका कलमिनेशन इधर उधर हो जाता है इन केस तो उसके लिए ये गुंजाइश है इस्लाम में कि हम फिर उसको जज नहीं करेंगे इसलिए उसने अपने एतबार से कोशिश की मोमिन से गुजारिश है कि जरा जरा सा आगे तर तो आप यकीन करें जितने वहां मौजूद थे सब हक्का बक्का और फिर वहां पे एक क्रिश्चन खातून ने जो अपना उनका रिलीजियस लीडर था उससे पूछा कि क्या हमारे दिन में भी इतनी गुंजाइश है वो बिल्कुल खामोश हो होंगे तो ये जो इस्लाम के बारे में इल्जाम लगाए जाते हैं कि इस्लाम में गुंजाइश नहीं दूसरों के लिए इस्लाम में टॉलरेंस नहीं इससे बड़ा टॉलरेंस किसी दीन में नहीं है किसी मजहब में नहीं है हाँ आपको ये कहे कि नहीं हम तहकी नहीं करेंगे तो कौन सी बात हुई कि आप तहकीक नहीं करेंगे आप तहकीक क्यों नहीं करेंगे आपको एक मोबाइल फोन खरीदना होता है आप महीनों तहकीक करते हैं एक गाड़ी खरीदना होता है कभी कभी आप दो साल तक तहकीक करते हैं वॉलर्ट में एक प्रोडक्ट आपको छोटी सी खरीदनी दस डॉलर की इस आयल से उस आयल में यहाँ से वहाँ चारों तरफ आप दौड़ रहे हैं कि आपको बेटर डील मिल जाए तो आप दुनिया के मसाइल में तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप तहकीक करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिसर्च करते हैं और फिर उसके मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं जब दीन का मसला आता है दीन का मतलब क्या है सिस्टम ऑफ लाइफ वो सिस्टम ऑफ लाइफ जिस आपकी दुनिया भी डिपेंड करती है अपनी आखिर भी आपकी आखिरत भी डिपेंड करती है उसको इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं कि जिस घर में पैदा हो गए उसी घर के दीन को हम फॉलो करेंगे यह गुना हुआ है कि जो बख्शा नहीं जाएगा चाहे मुस्लिम की तरफ से हो चाहे नॉन मुस्लिम की तरफ से हो तहकी अगर इंसान ने की तो पूरा कुरान में बाकायदा बहुत सी जगहों पर जो मुस्तदाफ हैं जो हक तक नहीं पहुंच सके वो नाम फिर अमेजोन के जंगलों में उन्होंने जिंदगी गुजारी उन तक हक का पैगाम नहीं पहुंच सका या आज के दौर में भी जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं अगर वो इस तरह से ब्लैंक हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस्लाम के बाद काफिर की मीनिंग क्या है काफिर का मतलब देखिए काफिर की जो अतलाह है यह दो इसके जाविया हैं एक तो वह है कि जो हमारी फेख में बयान किया गया है नॉन मुस्लिम उनको काफिर कहा जाता है और एक काफिर की डेफिनेशन वह है जो कुरान में आपको मिलेगी

द वन हु हाइड्स ट्रूथ आफ्टर इट बींग ऐसे शख्स को काफिर कहा जाता है ये काफिर की हकीकी डेफिनेशन है अब जाहिर है कि हम किसी के दिल में झाक के तो नहीं देखते कि अगर ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है तो डिलिब्रेटली फॉलो नहीं कर रहा है आउट ऑफ रिजेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो फेख़ जो है वो दुनिया के असूलो जवाब को मेनटेन रखने के लिए है तो फेख में जाहिर सी बात है जो शख्स भी नॉन मुस्लिम होता है उसको काफिर कहा जाता है और फिर उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है क्रिश्चन और यहूदी अहले किताब और फिर बाकी जो नॉन अहले किताब काफिर हैं और उनके लिए तफसील के साथ मसाल लेकिन ओरिजिनली काफिर की डेफिनेशन यह है कि जो हक को रिजेक्ट कर रहा तो एजान मोहतरम यह हमारे दिन में उसात है हमारे दिन में गुंजाइश है जो तो हम तो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें तो हमें उनको जहनमी समझ के इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए जो मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ी खामी है और ख़ास तौर से जो इमाम हुसैन के मानने वाले हों जो इमाम हुसैन के मसलक से वाबस्ता हो जो अपने को हुसैनी कहता हो कहते हो जिस किसी से भी हम डील करें जो भी हमारे सामने आए उसको अनफॉर्चुनेटली झाकिरों ने या एक बहरहाल हमारी जहालत ने मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ असल ब्लेम जो किया जा सकता है हमारी जहालत है हमारी जहालत ने हमको बहुत अग्रेसिव बना दिया है बहुत शिद्दत पसंदी हमारी फ़िक्र में आ गई है जिस किसी से भी हम मिलते हैं उसके बारे में फ़ौरन हमारा यही तसवर होता है कि ये तो जहनमी है हम तो जन्नती हैं जब आपका यह अप्रोच होगा आप यकीन कीजिए आप उसको कभी गाइड नहीं कर सकते उसको आप कभी हिदायत नहीं दे सकते इसलिए कि हिदायत देने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपके दिल में उसके लिए लव हो उसके लिए इश्क हो उसके लिए प्यार हो उसके लिए कुर्बानी हो लेकिन जैसे ही आपने उसको देखा फौरन आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया ये तो है ही जहन्नमी जब आपने उसको लेबलिंग करना शुरू कर दिया कि जहन्नमी है तो अब आपने अपने आप को हकीकत में विदड्रॉ कर लिया उससे और जब आपने अपने को विदड्रॉ कर लिया उससे और उसको एक्सक्लूड कर लिया और खुद को आपने एक कुकून में एक रिजर्व कर लिया और आपने अपने को महदूद कर लिया तो अब हक का पैगाम आप उस तक नहीं पहुंचा फलान ही।, ही अपने इमोशंस को छुपाना चाहें मौला अली का जुमला यह खुद जुमला मौला अली का एक मोजि है इस जुमले को आप याद रखिए अली फरमाते हैं कि कोई शख्स कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो अगर वो किसी चीज़ को बिलीव करता है किसी चीज़ को मानता है और अपने दिल में उसको छुपाए हुए है, इम्पॉसिबल है कि वो चीज़ उसके इमोशंस के ज़रिए अहसास के ज़रिए उसके टोन ऑफ लैंग्वेज के ज़रिए और उसके चेहरे उसके बॉडी पॉस्चर्स के जरिए वो चीज़ जाहिर ना हो जाए अल्लाह ने और एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ इमाम हुसैन अलसात वसलाम ने रवायत नकल की जिनका हम गम बनाते हैं और ये रवायत उन्होंने अपने बाबा अमीरुल अमीर उलमोमिनलाम के थ्रू हम तक पहुँचाई है मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने चंद चीज़ों को चंद चीज़ों में छुपा के रखा है अल्लाह रबुल्ज़त ने अपनी खुशनूदी को अपनी एताद में छुपा के रखा है किसी भी नेक काम को हल्का ना समझना ऐन मुमकिन है कि उसी में अल्लाह की खुशनुदी हो अल्लाह ने अपने गजब को अपनी मासियत में छुपा के रखा है किसी भी गुनाह को हल्का ना समझना ऐन मुमकिन है कि वही गुनाह तुम्हारे लिए हलाकत का सबब बन जाए और फिर इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने दोस्तों को अपने बंदों के दरमियान छुपा के रखा है किसी भी बंदे को हकीर न समझना किसी भी बंदे खुदा को मामूली न समझना किसी को भी जहन्नमी कहने का जज्बा अपने अंदर पैदा न करना किसी को भी लेबलिंग न करना ऐन मुमकिन है कि वही अहल नजात हो ऐन मुमकिन है कि वही जन्नती हो है या है। हाँ, जो हक के दुश्मन है वो इस कैटेगरी से मुस्तना है जो हक़ का दुश्मन हो चाहे वो हक इस्लाम की शक्ल में हो चाहे अहल बैत की शक्ल में हो चाहे दीन की शक्ल में हो चाहे शीय की शक्ल में हो जो दुश्मन होगा हक़ का उसका मामला अलग है वो रिजेक्टर ऑफ ट्रूथ है वो काफिर है जो काफिर है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं लेकिन जो एक ऑर्डिनरी इंसान दिखाई दे रहा है वो जिस दीन का भी हो जिस मजहब का भी हो जिस मसलक का भी हो एज़ लॉन्ग एज वो दुश्मन इस्लाम नहीं है दुश्मन अहल बैत नहीं है हमें उसे जहनमी कहने का इख्तियार हासिल नहीं है। हां अगर वो उसी रास्ते पर चलता रहा तो वो एक अलग मामला लेकिन there is a chance कि वो इंसान आगे चल के, के रास्ते आ जाए, और हमारे लिए क्या गारंटी है कि हम हक के रास्ते पर रह जाए कल्ब को कल्ब कहा ही इसीलिए जाता है कि यह मुसलसल बदलता रहता है और सलाम ने जो दुआएं तालीम दी वो ये है कि मुसलसल अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो रबना ला तो बना बद हद तना पर हमारे दिलों को हक के रास्ते से बर्गश्ता न करना आफ्टर यू हैव गाइडेड अस ऑन द राइट पाथ तो इनशा इस टॉपिक पर अगर वक्त मिला तो हम कभी आप हजरात की खिदमत में तफसी से अर्स करेंगे एक आखिरी बात एक बात और भी जो अनफॉर्चुनेटली एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है चलिए इसको छोड़ देते हैं वक्त नहीं रह गया है इन शाह तला फिर आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे एक सलवा पढ़ते हैं मोहम्मद वाले इमाम हुसैन सलाम उनके अंदर कितनी वसात थी उनकी आज़ादारी हमको वसात कल्ब अगर ना दे सके तो अजान मोहतरम हमने सही तरह से आज़ादारी नहीं की है इमाम हुसैन की वसात कल्ब कोई अंदाज़ा लगा सकता है करबला के मैदान में कितनी मरतबा इमाम आली मुकाम भूख और प्यास के बावजूद दुश्मनों के लश्कर के सामने खड़े होकर उस चिलचिलाती हुई धूप में तीन शबों रोज की भूख और प्यास मुसलसल मुआवजा कर रहे हैं नसीहत कर रहे हैं नसीहत किसको की जाती है मुआवजा किसको किया जाता है जिससे इंसान प्यार करता है कि उसे जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं किनको किताबों में मिलता है एक मकाम पर रोज़ आशूरा इमाम आली मुकाम को रोते हुए पाया गया पूछा गया कि फर्जंदा रसूल आप गिरिया फरमा रहे हैं फरमाया ला अब की ले नफसे इन नमा अब की ले अजल हिम मैं अपनी वजह से नहीं रो रहा हूँ अपने बच्चों की वजह से नहीं रो रहा हूँ मैं रो रहा हूँ इस लश्कर की हलाकत की वजह से मैं नसीहतों पे नसीहतें कर रहा हूँ मुआवजे पे मुआवजा कर रहा हूँ हर तरह से इनकी नजात का खा हूँ हर तरह से इनकी आबादी का तलबगार हूँ हर तरह से इनको बर्बादी से बचाना चाहता हूँ हर तरह से इनको जन्नत के रास्ते जवान जन्नत के सरदार थे इनको जन्नत तक पहुँचाना चाहता हूँ लेकिन ये है कि इनके अंदर लुकमय हराम और माल हराम चूँकि इनके पेट में भर गया है मेरी नसीहतें इन पर असरंदाज नहीं हो रही ये मामे आली मुकाम की वाद बार बार आते हैं और आके कहते हैं मैं अभी भी तुमको अपनाने के लिए तैयार हूं कलेजे से लगाने के लिए तैयार हूं मुआफ करने के लिए तैयार हूं यह इमाम आली मुकाम की वात है बजान मोहतरम सर दिया सिपते पैंबर ने तुम्हारे ही लिए इंसानियत को बचाने के लिए सारी कुर्बानियां दी जान दी शह के बरदर ने तुम्हारे ही लिए घर को लुटवा दिया सरवर ने तुम्हारे ही लिए दूध पीते हुए असगर को फैदा तुम पे किया हद नहीं जिसकी वो अहसास बखुदा तुम पे किया जो कुछ भी किया सब इंसानियत के लिए किया इसीलिए हुसैन शहीद इंसानियत है और इसीलिए हर इंसान के दिल में अल्लाह ने हुसैन की मोहब्बत वदियत कर दी है अमानत के तौर पर डाल दी कोई भी इंसान एजान मोहतरम आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं शहजादी जैनब को उनके लाल और मोहम्मद का पुरसा देने के लिए कि बहन और भाई अजब दास्तान है जैनब को शरीकतुल हुसैन कहा जाता है इमाम हुसैन के लिए जो रिवायत में लफ्ज है वो यह है आजबत मिन समा या मलासम अब्दुल्लाह आप सब्र के उस मंजिल पे थे कि आसमान के, के फरिश्ते ताजुब करते थे आपके सब्र को देखकर जी चाहता है दस्त अदब जोड़ के अर्ज करूं मौला जैनब तो शरीकतुल हुसैन है मगर बहुत सी मुसीबतें ऐसी हैं जिनमें हुसैन शरीक जैनब नहीं है अल्लाह अकबर करबला का कौन सा गम है जिसमें जैनब हुसैन की शरीक नहीं है और वो भी किस जज्बे के साथ किस इखलास के साथ अल्लाह अकबर अपनी मिसाल आप पूरी कायनात इस बीबी की शागिर्द है यह बीबी पूरी कायनात के ओरफा कीलमा की, की फुका की मराजे की सबकी उस्ताद सबके लिए मना रहे हिदायत है जैन ओन मोहम्मद दो बच्चे और किस तरह से उनको कुर्बान किया है अल्लाह अकबर ओन मोहम्मद मैदान का आजार में आए मसरूफ़ कताल हुए बहुत से दुश्मनों को वासी जहन्नम किया तीन शबो रोज के भूखे और प्यासे थे बड़ी शान से जंग की अब यहां पर रिवायतों में तो नहीं मिलता लेकिन मरसिया निगारों ने यह मंजर नकल किया है कि जब बच्चे जिहाद कर रहे थे तो जिहाद करते करते शुरात देते देते दरियाए फुरात के करीब पहुंच गए एक भाई ने दूसरे भाई को पुकार के कहा भैया आगे कदम न बढ़ाना आगे दरियाए फुरात है कहीं अम्मा को पता ना चल जाए कि बच्चे मैदान जंग छोड़ के दरियाए फुरात की तरफ जाके असगर से पहले अपनी प्यास बुझाना चाहते जनाब जैनब ने क्या तरबियत की और बाबे आजाब जंग करते रहे दाजात देते रहे क्यों ना हो अब्बा से गाजी ने इनकी तरबियत की है इन्हें जंग के फनून सिखाए लेकिन तीन शबों रोज के भूखे और प्यासे बच्चे आखिर में चारों तरफ से दुश्मनों ने यलगार किया दो नन्हे नन्हे बच्चे तीस हजार का लश्कर कहां तक लड़ते आखिरकार जख्मों की ताब न लाके घोड़े की बुलंदी से जमीन की तरफ चले आवाज दी मामू भांजों की खबर लीजिए जैसे ये आवाज सुनी हुसैन तड़प गए भैया अब्बास मेरे साथ चलो अरे मक्तल में दो शेर गिर रहे हैं हुसैन तनहा ना उठा सकेगा आए एक को हुसैन ने उठाया एक को अबुल फजल अब्बास ने उठाया लाए और ला के खेमे में रख दिया और बाबे आजाद जैनब की आजमत पे सलाम वो जैनब जब कभी किसी शहीद का लाशा आता था सबसे पहले आती थी मगर ओनो मोहम्मद का लाशा आया तमाम बीबियां नजर आ रही हैं मगर जैनब नजर नहीं आ रही जैनब कहाँ है खैमे के वसत में सजद मबूद में अपना असर रखे हुए कुदूस रब्बुल रब्बुलमलाइकत व रूह अल्लाह का शुक्र बजा ला रही परदगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे फ़ातिमा के बच्चे पे कुर्बान हो गए और मुझे अम्मा फ़ातिमा के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया बाजमा ये नकल करते हैं कि ऐन मुमकिन है जैनब उलिया मकाम इसलिए ना आई हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ओनो मोहम्मद के लाशे पे जैनब आए और जैनब रोएं गिरओजारी करें तो इमाम हुसैन की नजर जब जैनब की नजर पर पड़े तो इमाम हुसैन की नज़र शर्म से झुक जाए ए बहन अरे मेरी वजह से तेरी नस्ल कुर्बान हो गई मेरी वजह से तेरे बच्चे राहे खुदा में मेरे मा के अंदर एहसास है शर्मिंदगी भी ना आने पाए इसलिए जैनब उलिया मकाम ओन मोहम्मद पे मातम नहीं करतं हाँ अरबाब अजा सब पे मातम करती हैं ओन मोहम्मद पे मातम नहीं करतं शाम के दरबार में जब पहली मजलिस अज़ाय हुसैन जनाब ज़ैनब ने मुनदद की है और सरहाय शहदा आना शुरू हुए हैं और बा अज़ा उस मजलिस की क्या शान रही होगी आज चौदह सौ बरस बाद मुझ जैसा नाची ज़ाकिर जब जिक्र अहल बैद करता है और शबीआलम आती है तो अजीज़ा मोहतरम मोमिन के लिए आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है शबी ताबूत बरामद होती है दिल मच मचलने लगता है वहाँ पर शबीआलम नहीं ख़ुद अबुलफजल अब्बास का सर आ रहा है वहाँ पर शहदा कि ताबूत की शबीए नहीं खुद शहदा के कटे हुए सर आ रहे हैं और मसायब बयान करने वाली कोई और नहीं वो है कि जिसने करबला के तमाम मसायब अपनी निगाहों से देखे हैं किताबों में मिलता है कि तमाम सर आते गए बीबियाँ बढ़, बढ़ के अपने अपने वारिसों के सरों को लेती गईं मगर दो सर जब तबक में रख के लाए गए चांद जैसे चमकते हुए सर कोई बीबी ना उठी एक शामी औरत ने पूछ लिया ए बीबी ओ ए बीबी ओ अरे इन चांद जैसे बच्चों की माँ क्या मर गई है जो इनको लेने के लिए आगे नहीं बढ़ती बस ये सुनना था कि जैनब बर्दाश्त न कर सकी बीबी अरे ऐसा क्यों कहती है मगर इंसाफ से बता मैं अपने लाल ओनो मोहम्मद पे रो या फातिमा के लाल हुसैन गरीब पर रो अरबा आखिरी जुमले जब मदीना वापस पलट के काफिला आया जैनब उलिया मकाम अपने घर में दाखिल हुई उस हुजरे में पहुंची, जहां ओनो मोहम्मद के दो मुसल्ले लगे हुए थे दो नन्हे नन्हे बिस्तर लगे हुए थे ये वो मौका था कि जैनब उलिया मकाम ने हाथों को बुलंद किया करबला का रुख किया ए मेरे लाल ओनो मोहम्मद अपनी मां को माफ कर देना मैंने तुम पे कभी आंसू न बहाया तुम पर कभी गिरिया औजारी न किया मगर ए मेरे लाल ओनो मोहम्मद अरे मैं तुम पे कैसी रोती तुम्हारी माँ जिंदा थी मगर मेरे माँ जाए हुसैन की माँ माँ